हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था, एंड देन उसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ हमने स्टार्ट किया था। फॉर्मूला भी लिखवाया था कि कितने टाइम में कितना वेट जो है वो डिपॉजिट हो सकता है या कितना मोल्स मिल सकता है किसी का भी। तो नो क्वेश्चन करते हैं, देन आगे चलेंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 82, 93 एंड 104। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 82, 93 एंड 104 करो। यस साक्षी, दिस इज फर्स्ट पेज ओनली। यस तो साहब, 70 तक ही होमवर्क दिया था, 61 to 70 ओनली। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तुम्हें करेंटली करने, 82, 93, 104।
यस राहिल, कल बुकलेट डिस्कस करेंगे आगे का। रिदेश 1 to 33 तो हमने डिस्कस किया ना लास्ट टाइम।
बोलो क्या डाउट है। बोलो 31 में क्या डाउट है सर। सर उस क्वेश्चन में आपने एसओपी लिया था ई नोट ऑफ सेल, सॉरी ई नोट, तो वो एसओपी एसआरपी आएगा क्या, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया था ना। अरे हमने फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले बताए ना ई नोट निकालने के। हाँ एक यस सर। फॉर्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ एसआरपी है, एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एसओपी है, और एक फॉर्मूला एसओपी एंड एसआरपी दोनों के कंपनी में। यस सर। तीन फॉर्मूले हैं, तुम्हें दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो तुम्हें सही क्वेश्चन में अगर एसओपी दिया तो एसओपी वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर क्वेश्चन में एसआरपी दिया है तो एसआरपी वाला फॉर्मूला यूज करो। तो इस क्वेश्चन में सर वो लोग ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख के रखा है ना, मतलब एसआरपी। कहाँ यार, ऑक्सीडेशन फॉर्म में है ना रिएक्शन, अच्छा ऑक्सीडेशन। हाँ, उन्होंने लिख दिया उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ बट वो एसओपी लिख दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, अच्छा, ओके okay। क्योंकि ऑक्सीडेशन फॉर्म में रिएक्शन दिया और उसके साथ में इनोट लिखा है, मतलब वो एसओपी है ना कि एसआरपी। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू सर।
तन्वी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज सॉल्ट एनालिसिस है ना, वो डिफरेंट चैप्टर है, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो रिडॉक्स वाला है, वो डिफरेंट चैप्टर है। ओके राहुल, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया साइमल्टेनियसली, गुड। तन्वी क्वालिटेटिव इज, अच्छा क्वांटिटेटिव, सॉरी सॉरी मैंने क्वालिटेटिव पढ़ लिया था पहले। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो कैलकुलेशन वाला है, ओके तो वो मोल कॉन्सेप्ट ही समझ लो एक तरह से उसको, एंड वॉल्यूमेट्रिक समझ लो, बट क्वालिटेटिव इज सॉल्ट एनालिसिस।
हो गया सबका? जल्दी करो। मानस फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन, अभी इसके बाद दो चैप्टर बचेंगे, एक लिक्विड सॉल्यूशन एक सॉलिड स्टेट, दोनों छोटे ही हैं, मोस्टली मिड अक्टूबर तक हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री थियोरेटिकल चैप्टर है, एक या दो लेक्चर में हो जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्चुअली मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है, बट स्टिल करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एडवांस के सिलेबस में है, वो मेंस वाले में नहीं है। तुम्हारे न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा जो कि फिजिक्स में रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे वो। यार सब कोई भी बुक रेफर कर लो, एक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यू कैन रेफर सिंगेज ऑल्सो, ठीक है? पहले बुकलेट कंप्लीट करो, उसके बाद कोई भी बुक कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82, तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमें दिया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिड रिलेटेड वाटर 112 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O सॉरी गिव्स ट्वाइस OH नेगेटिव प्लस H2, ये है ना? तो यहाँ पर जो H2 है इसका n फैक्टर क्या है, इसका n फैक्टर 2 है। दो तरह से n फैक्टर देख सकते हैं, या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स देख लो हाइड्रोजन का, या तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हो कि एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन, ठीक है? तो एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके? तो एन फैक्टर को दो तरह से देख सकते हो, एक तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है ना, तो चेंज इन नंबर ऑफ सॉरी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1,
एंड नंबर ऑफ एटम्स इज टू, है ना, तो एन फैक्टर टू आ गया, या फिर एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिएक्शन में, दैट इज ऑल्सो एन फैक्टर, ठीक है। तो एच टू का एक मॉलिक्यूल उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट इज ऑल्सो एन फैक्टर, क्लियर है। सो हमें यहां पर इक्वेशन लगाना है, तो क्या था अपने पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इन टू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इन टू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500, है ना। सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज 112 डिवाइड बाय 224000, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टू एन फैक्टर इज 2 इज इक्वल टू, अब देखो हमें क्या दिया है, हमें आई निकालना है, टी दिया है, तो टी इज 965 डिवाइड बाय 96500, ओके तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, कितनी आएगी, ये 100 टाइम्स आई थिंक 1 एम्पियर आ रही है, क्लियर है सभी को, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, a current of strength 2.5 ampere was passed through PUSO4 solution for 6 minute and 26 second. Trial left mein kya hai, number of moles into n factor, formula apply kiya hai, what is number of moles, volume diya hai ntp per divide by 224000, that is number of moles into n factor is 2, okay. Now question number 93. So 93 में क्या, current of strength 2.5 ampere was passed through CSF4 solution for 6 minutes 26 seconds. The current, the amount of copper deposited is. तो देखो number of moles into n factor. तो यहाँ पर CSF4 का reaction क्या है, Cu2 positive, मतलब copper कैसे deposit हो रहा है, इस reaction के through deposit हो रहा है, ठीक है। तो n factor obviously 2 आएगा, ठीक है, n factor of C is 2, तो n factor पता है, तो मास कितना डिपॉजिट होगा वो पूछ रहे हैं, तो अगर हम बोलते हैं यार x ग्राम मान लो डिपॉजिट होगा, तो x डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ Cu कितना दिया, 63.5 into n factor क्या है 2 is equal to I की वैल्यू क्या है, I is 2.5 into t, टाइम कितना दिया 6 minute 26 second, तो 6 मिनट कितना हुआ 360 एंड 26 किया तो 386 डिवाइड बाय 96500, तो यहां से x क्या आएगा, x इज 2.5 इंटू 386 इंटू 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, ओके। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है,
हो गया सबका, चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। देखो 104 में क्या है, क्रोमियम प्लेटिंग इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्रोमियम जो है उसका प्लेटिंग कैसे, जब हम सीआर उसे क्रोमियम आ रहा है ना, तो किसी मेटल वगैरह पर क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो एन फैक्टर क्या हुआ इसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है ना, तो ऑब्वियसली एन फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम का 1 है। तो यहाँ पर हमें मतलब इस टाइप से क्रोमियम जो है वो मेटल, किसी मेटल पे डिपॉजिट हो रहा है, उसका प्लेटिंग हो रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी आवर इट वुड टेक टू अप्लाई ए क्रोमियम प्लेटिंग ऑफ थिकनेस 2×10⁻²⁻². तो देखो थिकनेस हमें क्या दिया है, थिकनेस इज 2×10⁻²░। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2×10⁻³ सेंटीमीटर। इसके अलावा एरिया क्या दिया है, एरिया दिया है हमें 0.25 m² तो जिस बम्पर पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो इसको मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कितना वॉल्यूम जो है उसका हमें, ठीक है, तो कितने वॉल्यूम का हमने यहाँ पर प्लेटिंग किया है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, सो ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा एंड आई थिंक ये 5 आ जाएगा। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो इतने वॉल्यूम का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। अब देखो वॉल्यूम पता और साथ साथ उन्होंने डेंसिटी भी दिया है, तो वेट ऑफ क्रोमियम हमें मिल जाएगा कितना लगेगा, तो वेट ऑफ सीआर कितना आएगा, सो वेट ऑफ क्रोमियम क्या होगा, डेंसिटी कितना दिया, डेंसिटी 7.19। ठीक है, सो 7.19, देखो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, दैट्स व्हाई हमने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। तो ये हमारे पास डेंसिटी से वेट आ गया। ठीक है, तो क्रोमियम का वेट पता चल गया। ओके, नाउ ऑब्वियसली हम टाइम निकाल सकते हैं। यस, वेट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या आएगा, मोलार मास इसका 52 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 7.19 × 5/52, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। एन फैक्टर 6 है, इज इक्वल टू आई जो है वो कितना दिया है, करंट कितना दिया है, करंट दिया हमें 75 × t। ठीक है, 75 करंट है इंटू टी डिवाइड बाई 96500। तो यहां से हम टी निकालेंगे, तो टी क्या आएगा, टी हमारे पास आ जाएगा
टाइम आ रहा है 5337 सेकेंड, ये सेकेंड में आया। इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.48 आवर। क्लियर है सभी को? Sir, what is the product form? May you please rewrite it, please. Product is Cr2, the chromium and H2O liquid. तो Cr2O7 से क्रोमियम बना और H2O बना है, ठीक है, बट हमें क्रोमियम से ही लेना देना है। तो क्रोमियम का जो n फैक्टर वो 6 है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 6 था। चले आगे, अब देखो कई बार हो सकता है तुम्हें करंट एफिशिएंसी दियो, अगर करंट एफिशिएंसी नहीं दिया तो लेकिन अगर एक और फॉर्मूला है वो जो यूज किया जाता है।
हेलो, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है वॉइस? बोल रहे थे सर क्रैक हो रही है, अभी क्लियर है क्या? ओके ठीक है। हाँ, सो हम ये बोल रहे थे कि अगर हमें करंट एफिशिएंसी दिया है, अगर हमें क्या दिया, करंट एफिशिएंसी दिया है, अगर नहीं दिया तो 100% मानेंगे, लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी दिया है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। ये तो अभी तक था, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर 100% करंट एफिशिएंसी है, बट अगर करंट एफिशिएंसी 100% नहीं है देन मल्टीप्लाई कर दो करंट एफिशिएंसी से। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी डिवाइड बाई 96500 इंटू परसेंटेज करंट एफिशिएंसी। ओके, ये थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो दिवेश कल हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट का तो तुम्हें मिल गया होगा ना सॉल्यूशन। आईटी क्या है यार सार्थक, अभी तक आईटी क्या लेते थे भाई? आई वाज करंट, टी वाज टाइम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 98, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 98 करो। यस साक्षी, ये कब यूज करना है? जब हमें करंट एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया, मतलब करंट एफिशिएंसी दिया हो तब ये यूज करेंगे। एनिलीन का पता होगा ना यार तुम्हें, इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक में आया होगा ना एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला और ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला, ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा दोनों। चलो फिर भी बता देता हूं, देखो एनिलीन जो है ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनिलीन में। तो रिडक्शन हो रहा है, एनिलीन का फॉर्मूला है C6H5NH2। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन को मतलब तुम बैलेंस वैलेंस करो और देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन है और एन फैक्टर वगैरह क्या होगा वो देख लो। ठीक है, लेफ्ट वाला नाइट्रोबेंजीन, राइट वाला एनिलीन।
ट्रायल क्वेश्चन ढंग से देखो, तो उसकी जरूरत है क्या?
यहाँ पर देखो, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें, ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगी इसकी? याद है रिडॉक्स में हमने कैसे बैलेंसिंग बताया था? पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में कितने आने चाहिए? राइट साइड में 2 आने चाहिए, तो ट्वाइस H2 ऐड कर दिए। फिर लेफ्ट साइड में अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 4 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, है ना? ये 4 नहीं, 6, क्योंकि 6 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा, है ना? तो राइट साइड में 6 H एक्स्ट्रा है, तो 6 H पॉजिटिव लेफ्ट साइड ऐड कर दिया। फिर उसके लिए चार्ज बैलेंसिंग करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया था कि 1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के लिए देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ओके, तो 1 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एन फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया। तो एन फैक्टर 6 है। तो देखो 12.3 ग्राम दिया नाइट्रोबेंजीन का, मतलब इसका, तो इसका 12.3 ग्राम दिया डिवाइड बाय मोलार मास, आई थिंक इसका 123 है, इंटू एन फैक्टर 6 इज इक्वल टू। अब देखो आई कोई तो बोला था सर टाइम क्या है, तो यार आई आई भी तो नहीं दिया था, करंट थोड़ी दिया था तुम्हें, या करंट थोड़ी पूछा है तुम्हें, क्या पूछा है? कूलम्ब, मतलब चार्ज पूछा है। ओके, तो तुम्हें आई इंटू टी ही पूछा है, तो ये आई इंटू टी को हम ले लेते हैं क्यू डिवाइड बाय 96500 एंड 50% करंट एफिशिएंसी है, मतलब 50/100 कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, तो क्यू हमारे पास आएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 96500 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, आई थिंक ये आ रहा है, यस सर। में ऑब्वियसली हम एन फैक्टर जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह देख के भी यहाँ पर देख सकते थे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना चेंज हुआ, है ना? यहाँ पर मेनली नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, तो कितना चेंज हो रहा है वो देख लो। है, तो देख लो 11580 कौन सा ऑप्शन है, हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ वाला पार्ट। नाउ सेकंड लॉ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यार सेकंड लॉ के क्वेश्चन भी हम यूजिंग फर्स्ट लॉ सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है फिर भी एक बार सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। तो सेकंड लॉ जो है वो क्या बोलता है, तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो मास डिपॉजिट होगा, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो मास डिपॉजिट जो होगा एनोड पर या कैथोड पर, तो जो मास डिपॉजिट है उसका रेशियो विल बी इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, ठीक है? या इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो रहता है उसी रेशियो में मास डिपॉजिट होता है। यस रिया, हम ऐसा ही तो करते थे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, देन उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते थे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2 ऐड करते थे, एंड देन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि
फॉर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार मान लो एक का मास m1, चलो m1 ले लेते हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या आ गया e1 बाय e3, ठीक है। सो मास डिपॉजिटेड का रेशियो इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि m1 अपॉन e1 इज इक्वल टू m2 अपॉन e2। सो m1 बाय e1 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 एंड m2 बाय v2 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है सेम रहेंगे, ऑब्वियसली रहने भी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल थे IT अपॉन 96500 के, और IT तो सेम ही है जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो, ठीक है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। ओके, सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। कुणाल, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट करंट, इलेक्ट्रिसिटी मेनली हम बोलेंगे चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इस तरह से चार्ज, करंट जो है वो उस वो हमारे पास आई है, आई इज करंट, टी इज टाइम, तो आई इंटू टी अपने पास क्या हो गया क्यू, चार्ज। तो चार्ज को जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, क्यू सेम है मतलब आई इंटू टी सेम। हो गया सभी का?
चलो क्वेश्चन लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 80 एंड 103। फाउंडेशन नंबर 80 एंड 103।
चलो कराते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में दिया Ag2SO4 दिया है एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। नाउ करंट जब पास करते हैं तो 1.6 ग्राम ऑफ O2 जो है लिब्रेट होता है एनोड पर। तो बोल रहे सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही सेल है तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो कैथोड पर जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्वस Ag2SO4 लिया है तो कैथोड पर Ag पॉजिटिव का रिएक्शन हुआ और एनोड जो है उस पर वाटर का रिएक्शन हुआ है, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिएक्शन अगर याद हो तो ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो Ag का जो एन फैक्टर है वो क्या है, Ag का एन फैक्टर 1 है और O2 का एन फैक्टर क्या है, O2 का एन फैक्टर 4 है। इसको दो तरह से देख सकते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो वहां से 4 आ जाएगा। या फिर ये देखो कि एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जैसा हमने बताया कि यार वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास सेम होता है ना, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम कर दो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम करेंगे तो यार 1.6 ग्राम ऑफ O2 डिपॉजिट हुआ, तो 1.6 डिवाइड बाय मोलार मास 32, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर को हमने कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, मतलब क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर को कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू Ag का मान लो, वन मिनट यार, पविक्स ने मोबाइल चलाया है, एक मिनट को। ओके तो ये Ag के नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल टू, सॉरी Ag नहीं, व्हाट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल टू Ag का मान लो x ग्राम डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय इसका मोलार मास 108, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इनटू एन फैक्टर ऑफ Ag इज 1। ओके तो यहां से देखो क्या आएगा, इट इज 21.6 ग्राम, क्लियर है सबको। देव जैसा हमने तुम्हें बताया कि यार अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आई टी तो कांस्टेंट रहता है ना, आई इंटू टी कांस्टेंट रहे क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर दोनों का सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर दोनों का सेम आएगा। तो वही किया हमने, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, सो क्वेश्चन नंबर 103 में थ्री फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास थ्रू मोल्टन Al2O3 एक्वस CuSO4
सर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सिंगल इलेक्ट्रोड आर देयर ना. व्हाई सिंगल इलेक्ट्रोड यार? देव एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती है ना, एक कैथोड और एक एनोड. इलेक्ट्रोलाइट Ag2SO4 है, एक्वस Ag2SO4, तो उसका Ag का रिएक्शन होगा कैथोड पर और फिर वाटर का रिएक्शन होता है एनोड पर. इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताया है, SO4 का ना होके वाटर का रिएक्शन होता है, तो वही चीज हो रही है ना. तो दो इलेक्ट्रोड है ना, सेम थोड़ी है, एक कैथोड वाली है एक एनोड वाली है. तो दोनों को हम सेम अमाउंट मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना. एक ही सेल है ना, तो एक ही सेल में तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना, अलग अलग थोड़ी जाएगी. जितना कैथोड पर इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना एनोड पर होगा ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 103. तो हमारे पास Al2O3 है, इसके अलावा CuSO4 है. तो मोल्टन Al2O3 मोल्टन है, दैट्स व्हाई Al आएगा. एक्वस CuSO4 है तो उससे Cu आएगा, और अगर एक्वस NaCl होता तो उससे वाटर वाला रिएक्शन होता, लेकिन मोल्टन NaCl दिया है, दैट्स व्हाई Na आएगा. तो n फैक्टर क्या होगा? तो इसका Al3 पॉजिटिव वाला रिएक्शन होगा, तो n फैक्टर इसका 3 है, इसका n फैक्टर 2 है और इसका n फैक्टर 1 है. नाउ वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिपॉजिट होंगे तीनों के, उनका रेशियो क्या है? सर तो जैसा हमने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर जो है इट इज कांस्टेंट. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा? जो 1/n फैक्टर का रेशियो है. ओके, नंबर ऑफ मोल्स करके रेशियो क्या होगा? जो 1/n फैक्टर का रेशियो है. तो 1/n फैक्टर मतलब 1/3:1/2:1. ओके, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है. तो अगर हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 1:3/2 मतलब 1.5:3 आ जाएगा. तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिया है 1:1.5:3. क्लियर है? तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ आगे चलेंगे, लिखो. कुणाल रिएक्शन तो पता ही होनी चाहिए ना यार. Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al. Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. एंड Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na. ओके, प्रीवियस पेज. ठीक है, देखो जल्दी.
चले आगे। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो कंडक्टेंस, और हम यहां पर एक्चुअली बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। ओके कंडक्टेंस, बट कौन सी वाली? इलेक्ट्रोलिटिक वाली। दो टाइप की कंडक्टेंस होती है, एक मेटालिक एक इलेक्ट्रोलिटिक। ओके सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है और मेटालिक कंडक्टेंस में देखो डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है अपने पास सॉल्यूशन वगैरह जो है उसमें होती है, एंड मेटालिक कंडक्टेंस जो है ऑब्वियसली वायर वगैरह जो होते हैं उसमें होती है। ठीक है, लेकिन हमें अभी यहाँ पर वायर वाली कंडक्टेंस नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन वाली कंडक्टेंस पढ़नी है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते एक बार, ठीक है, देन इलेक्ट्रोलिटिक पर चलेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कंडक्टेंस दो टाइप की हैं, एक मेटालिक एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो मेटालिक कंडक्टेंस एंड दूसरी अपने पास है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो देखो मेटालिक कंडक्टेंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस किसके लिए होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू आयन। समझ आया? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी मेटालिक कंडक्टेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती है ड्यू टू आयन। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक किसमें होती है? जैसा मैंने बताया था ये होती है इन मेटल्स, है ना, मेटल्स में इसी की वजह से होती है, और ये किस में होती है? इन सॉल्यूशन। ठीक है, देन अब यहाँ पर क्या है, जब मेटालिक कंडक्टेंस की हम बात करेंगे तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उससे कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, नो केमिकल चेंज, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, क्योंकि हमारे पास जैसे NaCl है, एक्वस NaCl है, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या एक्वस मतलब NaCl है ना, तो अपने आयंस में डिकम्पोज हो रहा है. ओके, सो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस. ओके, इसके अलावा यहां पर नो मास ट्रांसफर, यहां पर कोई मास का ट्रांसफर भी नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में मास ट्रांसफर होता है. ऑब्वियसली जब हमारे पास मास वगैरह डिपॉजिट होगा, मतलब कोई अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो हम देख ही रहे है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होने देखा ही था, तो मास जो है वो ट्रांसफर होता है. ओके, अब इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो किसकी वजह से आता है, तो मेटलिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम वगैरह से कोलाइड करते हैं. ठीक है, मेटल के एटम से कोलाइड कर लेते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है. आयंस के केस में किसकी वजह से आता है, तो आयंस के केस में आता है जब हमारे पास आयंस जो फ्लो कर रहे हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वगैरह से कोलाइड कर जाएंगे, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाएगा. ओके, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मेटल एटम. ठीक है, तो मेटल के एटम से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर लेते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है. और यहां पर क्यों आता है, यहां पर आता है रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह के साथ कैसे चेंज होते हैं वो भी बताते हैं, पहले ये लिखो. यस, रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयन. ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. हो गया सबका. नाउ टेम्परेचर के साथ कैसे होगा,
तो देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटलिक कंडक्टेंस जो है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटलिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वहां पर मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो लेक्चर चलो यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 71 to 100। हंड्रेड एंड टू एक्चुअली 101, 103 और 104 हुआ है, 102, 71 to 102। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।